हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। माय नेम इज़ मारुफ तालुकदार एंड आज के इस वीडियो में मैं जल्दी जल्दी से दो डीएमई का जो दो लेटेस्ट न्यूज़ है, लेटेस्ट नोटिस है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो में फेस वेस नहीं दिखा रहा हूं, मैं जल्दी से वीडियो बना रहा हूं। और फेस वेस दिखना है तो आप मेरे ब्लॉग पर जाके देख सकते हैं। और बहुत सारे ब्लॉग्स मैं अपलोड करूँगा सामने भी, और इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छे से MBBS रिलेटेड आप लोगों को बहुत सारे वीडियोज़, MBBS नहीं बस मेरा लाइफ रिलेटेड भी आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो में देखो, मैं सबसे पहले बात करूंगी कि आप लोगों का सेकेंड राउंड का काउंसलिंग कब से शुरू होगा। देन मैं बात करूंगा क्या जो आप लोगों का जो 5% गवर्नमेंट, जो ये सबसे बड़ा डाउट ये है कि 5% गवर्नमेंट कोटा जो है वो कैंसिल हो गया या नहीं हुआ, कैंसिल हुआ या नहीं हुआ, मैं इसके ऊपर बात करूंगा। तो इससे पहले मैं सबसे पहले इसके ऊपर बात कर लेता हूं आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों का जिन लोगों का कॉलेज अलॉट हो गया, उन लोगों का एक्सेप्ट 5% गवर्नमेंट कोटा, उन लोगों का देखो 16 अक्टूबर से उन लोगों का क्या क्लासेस शुरू होगा। मतलब पहले देखो मेडिकल कॉलेज में जब पहले दिन जाओगे तुम लोगों का एक व्हाइट कोट सेरेमनी होता है। व्हाइट कोट सेरेमनी ऐसा होता है, मतलब आप लोगों को व्हाइट कोट कॉलेज से, किसी कॉलेज से व्हाइट कोट देते हैं आप लोगों को, और किसी जस्ट नाम ही है व्हाइट कोट सेरेमनी, बट आप लोगों को कोई व्हाइट कोट नहीं देंगे। बस वहाँ पर एक सेरेमनी होगा, पेरेंट्स होंगे, आप लोगों का मेडिकल कॉलेज का फर्स्ट दिन आप लोगों को थोड़ा रूल्स रेगुलेशन वो सब बताएंगे कैसे चलना है, वो सब आप लोगों का ऑथ टेकिंग होगा आप लोगों का वहाँ पे, बस कुछ नहीं यार, अच्छा लगेगा आप लोगों को। देन देखो आप लोगों का जब 16 अक्टूबर से आप लोगों का क्लासेस शुरू होगा, और क्लासेस शुरू होने का जो पहला 14 डेज होगा, मतलब 16 से लेके मान लो कि 30 अक्टूबर तक आप लोगों का फाउंडेशन क्लास होगा। फाउंडेशन क्लास मतलब पहला 14 दिन आप लोगों का फाउंडेशन क्लास होगा। फाउंडेशन क्लास ऐसा है कि मान लो कि आप लोगों को बस बेसिक मतलब आप लोग फुल MBBS में क्या सीखोगे, क्या क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, एनाटॉमी क्या है, बायोकेमिस्ट्री क्या है, चीज़ क्या पढ़ोगे आप लोग, वो सब आप लोगों को बस फाउंडेशन क्लास में, पहला वाला फाउंडेशन क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा। और देखो जैसे कि आप लोगों का 16 अक्टूबर को आप लोगों का क्लासेस शुरू होगा, तो मतलब आप लोगों को रिपोर्टिंग कब करना है, रिपोर्टिंग मिनिमम आप लोगों को 2 दिन पहले रिपोर्टिंग करना है। वो अपना अपना कॉलेज का, रेस्पेक्टिव कॉलेज का वो नोटिस निकल जाएगा कब रिपोर्टिंग करना है, उसका डेट आ जाएगा। तो के लिए टेंशन मत लो। और अगर टेंशन आप लोगों को, मान लो कि आप लोगों ने हॉस्टल ले लिया, हॉस्टल का फी वो सब कुछ फॉर्म फिलअप कर दिया, तो आप लोग मेरे हिसाब से 2 दिन पहले, मान लो कि 2 दिन पहले कितना होगा, 14 अक्टूबर आप जाके रिपोर्ट कर लो उस कॉलेज पे। अगर स्टिल वो लोग मतलब रिलीज ना करें, स्टिल आप लोग चले जाओ, देन ये हो गया। और ये तो बता दिया मैंने आप लोगों का क्लासेस कब से शुरू होगा। तो अभी मैं बात करता हूँ इसके ऊपर बात करता हूँ, देखो तो एडुकेशनल नोटिस जो आज ही रिलीज हुआ था उसके ऊपर बात करता हूँ। यहाँ पे देखो दो चीज़ बात किया है उन लोगों ने, डीएमई ने, पहले तो चॉइस फिलिंग, मतलब सेकेंड राउंड का सब डेट्स, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, अलॉटमेंट, रिपोर्ट, जॉइनिंग और सब वो डेट्स दिया है, मैं बताऊँगा आपको। देन पहले ये बता देता हूँ जो 5% गवर्नमेंट कोटा है, 5% गवर्नमेंट कोटा कैंसिल हुआ या नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे उन लोगों ने साफ साफ बोला है, देखो 5% रिजर्वेशन फॉर द कैंडिडेट हु स्टडीड इन आसाम गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज इज हेयर बाई कैंसिल। मतलब ये बोला है कि फर्स्ट राउंड पे जिन लोगों का कॉलेज अलॉट हुआ था जिन लोगों का 5% कोटा के थ्रू, 5% कोटा के थ्रू कॉलेज अलॉट हुआ था, उन लोगों का कैंसिल हुआ है। अच्छे से समझो, ये कोटा जो है 5% गवर्नमेंट कोटा जो है वो कैंसिल नहीं हुआ है, फर्स्ट राउंड पे जिन लोगों का कॉलेज अलॉट हुआ था वो कैंसिल हुआ है। फिर अच्छे से देखो यहाँ पे मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ, दिस इज द इंफॉर्मेशन फॉर द ऑल कॉन्सर्न डेट द चॉइस फिलिंग, मतलब सेकंड राउंड का जो चॉइस फिलिंग है जिसको आप लोगों का पोस्टपोन किया गया था, देखो ये सितंबर का 14 सितंबर को, अभी देखो इसको डेट देखो, इंक्लूडिंग रिकाउंसलिंग ऑफ 5%, मतलब रिकाउंसलिंग मतलब फर्स्ट राउंड पे जिन लोगों का काउंसलिंग हुआ था उनका कैंसिल हो गया, अभी उन लोगों का रिकाउंसलिंग होगा। और हु स्टडी इन द आसाम गवर्नमेंट, ये इन लोगों का कब होगा, दो मतलब 2 अक्टूबर से, मतलब कल से उन लोगों का रिकाउंसलिंग होगा। तो अच्छे से समझो मैंने क्या बोला था, फर्स्ट राउंड वाले पे जो लोग 5% गवर्नमेंट कोटा के थ्रू
गवर्नमेंट कोटा के थ्रू सीट अलॉट हुआ था उन लोगों का कैंसिल हो गया। उन लोगों को रिकाउंसलिंग करना पड़ेगा सेकंड राउंड पे, और सेकंड राउंड का डेट यहाँ पे देखो 2 अक्टूबर। यहाँ पे सेकंड राउंड का सब कुछ देख दिया हुआ है, देखो यहाँ पे सेकंड राउंड का ये चॉइस फिलिंग देखो कब से 2 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर तक है। चॉइस लॉकिंग क्या है ये सब कुछ शायद आप लोगों को पता है ऑलरेडी, मैंने बहुत बार बता दिया ये सब। देन देखो प्रोसेसिंग, ये सब तो प्रोसेस होगा कंप्यूटर बेसिस होता है, कंप्यूटर करेगा। रिजल्ट आएगा देखो आप लोगों का 6 को आएगा रिजल्ट, और रिपोर्टिंग होगा 7 अक्टूबर को आप लोगों को, मतलब 7 अक्टूबर को जाके आप लोगों को सेकेंड राउंड पे जिन लोगों का कॉलेज अलॉट होगा उन लोगों को कब जाके रिपोर्ट करना है, उन लोगों को 7 को जाके एडमिशन लेना है। आप लोग ऐसे मत जाओ कि 16 को जाके एडमिशन लोगे, 16 अक्टूबर वो आप लोगों के लिए नहीं है। 16 अक्टूबर जो फर्स्ट राउंड पे जिन लोगों को मिल गया उन लोगों के लिए 16 अक्टूबर को जाके, मतलब क्लास तो आप 16 अक्टूबर में ही करोगे उन लोगों के साथ, 16 अक्टूबर से आप लोगों का क्लास होगा, लेकिन आप लोगों को एडमिशन के लिए रिपोर्टिंग के लिए देखो 7 अक्टूबर को जाना है, ये अच्छे से देख लो। यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोला है, क्या बोला है मैं बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखो कैंडिडेट हु आर फाउंड एलिजिबल फॉर द कोटा ऑफ 5% रिजर्वेशन ऑफ कैंडिडेट्स हु स्टडीड इन आसाम गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड may participate in the round of the counseling by fresh filling of choices as per schedule given below. ये सब शेड्यूल बिलो, तो मतलब यहाँ पे अल्टीमेटली क्या बोला है, मतलब वही जिन लोगों का देखो उन लोगों का तो कैंसिल हो गया, 5% गैप वाला का तो जो कैंसिल हो गया, अभी उन लोगों को रिकाउंसलिंग करना है। तो जो लोग एलिजिबल है मतलब जिन लोगों का 5% गवर्नमेंट कोटा है उन लोगों को क्या करना है, फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है। बस यही बोला है कि मतलब देखो अरे आप लोग सेकंड राउंड पे आप लोग पार्टिसिपेट करोगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को चॉइस फिलिंग करना है, तो उन लोगों को बचा बोला है कि काउंसलिंग बाय फ्रेश फिलिंग ऑफ चॉइसेस, मतलब आप लोग फ्रेश चॉइस फिलिंग कर पाओगे, चॉइस फिलिंग करो देन चॉइस लॉकिंग करो फिर बाद में आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ खास चीज़ नहीं बोला है, तो अल्टीमेटली मैं बोलना यही चाहता हूँ कि आप लोगों का 5% जो गवर्नमेंट कोटा है वो कैंसिल नहीं हुआ है। हाँ वो है उसका उसके थ्रू जिन लोगों का एडमिशन होगा वो सेकंड राउंड में होगा। हाँ सेकंड राउंड में रिकाउंसलिंग होगा उन लोगों का। और एक चीज़ बहुत लोग पूछ रहे हैं कि एनआरआई क्या होगा, तो एनआरआई का देखो अभी तक कुछ पता नहीं है उसका। एनआरआई का जो सीट ऐड होगा वो 3rd राउंड पर ऐड होगा, मतलब कट ऑफ डिक्रीज होने का चांसेस है 3rd राउंड, क्योंकि एनआरआई से अगर मान लो कि सीट आ जाए तो 3rd राउंड पे मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत कट ऑफ का डिक्रीज होगा। तो वीडियो में इतना ही बताना था आप लोगों को, और अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लगा हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपना फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू। और एक डाउट जो बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं, मान लो कि आपको फर्स्ट राउंड पे आप लोगों को मान लो कि आपको एसएमसीएच मिला, देन ये क्या होगा आप लोगों का अभी सेकंड राउंड पे, देखो सेकंड राउंड पे आप लोगों को काउंसलिंग किया, तो सेकंड राउंड पे आप लोगों को मान लो कि मैंने मान लिया आप लोगों को एमसीएच मिल गया, तो एमसीएच मिलने के साथ साथ जो आप लोगों को एसएमसीएच फर्स्ट राउंड पे मिला था वो कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिक है ये, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। देन हाँ ठीक उसी तरह अगर मान लो कि आपने 3rd राउंड पे भी आपने अपग्रेड किया, 3rd राउंड पे भी आपने चॉइस फिलिंग किया, जो काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट किया, तो 3rd राउंड पे आप लोगों को मान लो कि जीएमसीएच मिल गया 3rd राउंड पे, तो आप लोगों का क्या होगा, ये सेकंड राउंड वाला जो एमसीएच है वो कैंसिल हो जाएगा। ये बस मैं एमसीएच दे रहा हूँ आप लोगों को, कोई भी कॉलेज हो आप लोगों को मान लो कि यहाँ पे मान लो कि घर के पास का अभी कोई एक टीएमसीएच मान लो कि जो भी कॉलेज हो वो अगर और एक मिलने के साथ साथ वो पहले वाला पुराना वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आप अच्छे से मतलब सोच समझ के आप काउंसलिंग करना। अगर जो कॉलेज अगर किसी कॉलेज पे आप लोगों को नहीं जाना है आप लोगों तो वो चॉइस फिलिंग मत करना। मान लो कि आपको बस 3 ही कॉलेज में जाना है, आपको जीएमसी एएमसी और मान लो कि एसएमसी ऐसे कॉलेज में ही जाना है, ये 3 कॉलेज में ही जाना है, या ऐसा है ना आप लोगों का मान लो कि आप लोगों का चॉइस है तो आपको पता होगा, तो ऐसे बस उन्हीं कॉलेज को ही देना है। ऐसा नहीं कि मान लो कि इस कॉलेज में नहीं जाना है आप लोगों को, स्टिल आपने मान लो आपको डिफू में नहीं आना है, या आपको मान लो कि नौलबारी में नहीं जाना है तो आपने नौलबारी का नाम दे दिया तो आपको वहाँ पे अगर मिल गया तो जाना ही होगा। जस्ट मैंने ये आप लोगों का डाउट क्लियर किया, होप कि आपका डाउट क्लियर हुआ।